की है। साडे पास कल तो सिख चैनल तो प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, सो उन्होंने 10 मिनट वास्ते संगतों के दर्शन करने हैं। सो असी बेनती करते हाँ कि जो भाई साहब सिख चैनल तो विशेष तौर पर आए हुए हैं, उन्होंने बेनती है कि वो संगत के सामने सतगुरु गुरु महाराज की हजूरी में कुछ विचार संगत साझिया कर, उस तो उपरंत आनंद साहब का पाठ होगा, अरदास होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। गुरु स्वारी गुरु रूप साध सिंह जी, आओ सतगुरु जी बख्शी हुई फतेह ने एक बार फिर गज बज के सारे जाने ने मत्था साहब कही जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध सिंह जी आप जी ने गुरु घर के वजीर जी पासों गुरबाणी शब्द सरवण किए हैं। अखीरले शब्द में दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जी सिख की जो डेफिनेशन है किहो जिहा सिख चाहीदा उस शब्द रूप के आप सारे ने सरवण किया है। धन्यवाद है भाई साहब जी का, सतगुरु की बख्शिश है। सतसंग जी आप जी ये जो सुंदर मात सतगुरु जी की बख्शिश हुई है, इसलिए आप जी फिक्रम कराऊ सतगुरु जी आप हैं, पर जो अगमता आप जी बख्शा है ये सुंदर मात देख के बहुत ही खुशी हुई है। इस कारज की संतान जी संतान सारिया संतान श्री गुरु ग्रंथ सिंह जी इस कारज की बहुत बहुत बधाई है। सतसंग जी बहुत साल पहला इतने आंदा पुरानी मार्फ में दो तीन बारी आए सी, क्योंकि जूएनओ जदों 84 का कलकारा होया उस उपरंत कई बारी प्रोटेस्टा के सुभाग प्राप्त होया सी। सो उस तो बाद कुछ साल हो गए हैं इस मार्फ के दर्शन नहीं सी, इस हमने ध्यान क्योंकि प्यार भी हमने हुई है। सतसंग जी दास इंग्लैंड की धरती तो एक सैक्ट चैनल की स्थापना जो लगभग विसाखी जो आने वाली विसाखी उसते आरंभ होया सी, 2 साल हो गए हैं। सिख चैनल की स्थापना जो नौजवान इंग्लैंड का जामपाल मुंडा है उसकी अपनी विचार सी, उसने जो कि सतगुरु जी ने कारोबार दे विच बख्शिश की है उसनू, उसने सोचा कोई ना कोई सिखा दे कोल मीडिया होना चाहिए है। उसकी यह सोच ने अपनी पूंजी विच उसने कोई 18 लाख 2 मिलियन तक सारी पूंजी ला के सिख चैनल की स्थापना की सी, जो सिखा की आवाज सिख कौम की आवाज न बना सकने वास्ते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने गुरबाणी के प्रवाह चलाने वास्ते इसकी महत्ता से सारे प्रोग्राम चलाने वास्ते यह सिख चैनल का मीडिया स्थापित किया, जो निरंतर अज तक आए दिन जो भी सिखा के कोई भी मसले हैं उस प्रति चर्चा भी होती है। गुरबाणी के पाठ गुरबाणी की कीर्तन कथा जो आप जी सामने कर रहे हो जो चल रहा सिखा ने पंजाब विच सेंटर विच या देशों विदेशों में अपने किसी भी धर्म पक्षों प्रॉब्लम आदियां हैं
उन्हां दी आवाज नूं लै के मीडिया के रूप में आपके नाल अपने सहयोग नाल तो मीडिया जो है चल रहा है। सत्संग जी जिस तरह ने यह सिख चैनल की स्थापना की सी उस तो बाद थोड़े चिर बाद विचार आईया, उसने सोच के इसका ट्रस्ट बनाता, दो तीन ट्रस्टी सो उस विच ट्रस्ट वास्ते भी ओपन रखा गया सी। पिछले जहाँ आपकी ने देखा भी होगा भी होर भी बाद तो बाद ट्रस्टी ट्रस्ट के रूप में जिसने भी वीर ने भैन ने कोई सेवा लेनी हो आ सकते हैं, पर अजे तक होर कोई ट्रस्ट नहीं मैंबर बने क्योंकि कई बार ट्रस्ट भी सोच लेंगे हम भी जे असी ट्रस्टी भी ना दिता तो शायद सानू कोई सेवा लेनी पैंती है, इस पक्षों भी कई बार विचार हो जाती है। सो जे सेवा दिता भी वह भी ट्रस्ट में ही पैनी है क्योंकि इस एडे वे कार्य चलाने वास्ते काफ़ी सारे का सहयोग चाहिए है। सो सिख चैनल थोड़ा अपना मीडिया है, इतने दास ये जरूर बेनती कर दे कोई भी सिख चैनल पर कोई प्रोग्राम चाहे तुसी अपने तौर पर कोई रिकॉर्डिंग करके जिस भी विधि जो जिस ढंग रिकॉर्डिंग चाहिए है उस सिख चैनल तो पुछ के तुसी करा के अपनी रिकॉर्डिंग बड़े बड़े प्रोग्राम समागम जां कोई भी कथावाचक जां रागी ताड़ी जिहड़े आउंदे हन उस सोहणे प्रचार वास्ते आप दी रिकॉर्डिंग करा के इस गुरद्वारे दी सारी दस के उस विच तुसी लवा सकते हो। उहदे सिख चैनल कोई भी चार्ज नहीं करता ना प्रोग्राम लाउण दे, इस तरह कोई भी हफ्तावारी दवान जां वड्डे वड्डे गुरपुरब तुसी उलीकदे हो उहदे बारे भी प्रबंधकां नूं बेनती है जरूर गाय गाय जरूर जिहड़े भी प्रोग्राम हन उस सिख चैनल नूं ईमेल करके अपनी दस्या करो तां कि इत्थों दीआं सारीआं संगतां जो है वो प्रोग्राम देखण आ सकदीआं हन। सो जानकारी मिलती है। सो सतसंग जी विचारां तां कई सन जी करदा सी पर समां भी अज ज़्यादा है। सो मैं एक बेनती जरूर करांगा सिख चैनल ज्यादा होन विच आया है, सारे का सारा स्टाफ जो है वो डे वन तो ही अणजाण सी, प्रोग्राम चलदिआं ते कई उलटाइयां रह भी जांदियां हन एडे वड्डे कार्ज विच आपां नूं भी पता है सो अनेकां प्रकार दीआं गलतियां भी हो जांदियां हन। तुहाडे सुझावां दी बहुत अति लोड़ है क्योंकि संत विच स्रोतियां दे रूप विच जिहड़ियां वीर भैणां बच्चे बैठे हन वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे हम जोड़े प्रोग्राम कई बार प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं सानू पता नहीं होंदा भी ये प्रोग्राम से की गलती है तो संगत सूझवान होती है वो अपने सुझाव दस सकती है। कोई भी प्रोग्राम तुसी चंगा जां माड़े बारे दसना हो झिझकण की लोड़ नहीं, तुसी कदे भी टैलीफोन राही ईमेल राही तुसी आप जे चंगे सुझाव जरूर दया करो तां कि इस प्रोग्राम होर भी सुहावना बना सकीए। कदे भी कोई किसी प्रकार की कोई शंका भी होवे वो भी दास आपजियां नूं बेनती करता है किसी भी सवाल ते कोई सन दास नूं इत्थे पुछ सकता है जां किसी टीम नूं तुसी पुछ सकते हो। सो उस विच भी बहुत चंगी गल है, कई बार असी मनोमनी कई गल्लां लै के बह जाते हाँ पर जिन्ना चिर कोई गल सिख चैनल ताईं पुड़दी नहीं उन्हां दीआं कोई भी काम कार दे विच तरीके गलत जां कोई गल है वो जरूर अपने विचार दिया करो। इस तरह दास बेनती करूँगा क्योंकि इतने भी नौजवान इतों के जमपाल भी हैं तो पंजाब चो भी पढ़ लिखे नौजवान बच्चे बच्चिया आए हैं, अगर कि आने वाले समय में इन्हों का किसी का भी इंग्लैंड की धरती से आने का प्रोग्राम हो सिख चैनल वालों उन्होंने जिया किया जाएगा, अगर वो ये रुचि रखते हैं मीडिया में काम करती उत्थे बहुत सारे वीरां दी लोड़ हमेशा रहिंदी है क्योंकि आप जिहां नूं पता होगा ज्यादा सिख चैनल आया है उत्थे सैकड़ियां दी तजाद विच तुहाडे जॉब विचों बच्चे जिहड़े गोरे अंग्रेज हन उह जाके एक्सपीरियंस लै के बहुत नौकरियां ते लग चुके हैं। सो तकरीबन
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 30-40 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾਈਦੇ ਹਨ, 3-4 ਟੀਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, 2 ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੌਹਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਆਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਵਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਸਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 5 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਲੋੜ ਸੀ ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਭਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤਾਈਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਸ੍ਰੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
देशों के प्रदेशों में आप के पंजाब की धरती तो जो भी अज साडे नाल जिदा भी हो रहा है वह सारे के सामने है उसका हद लभीए। सो मैं प्रबंध का इतों की संगत का धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद करता हाँ कि गुरदास सिख चैनल राही आप जी के दर्शन करने का मौका मिलया है। सो आप जी अगे बेनती है क्योंकि मैं ज़्यादा हो समा नहीं लेना चाहता, सो समा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो इतों के प्रबंध का साढ़े प्रधान साहब इंडिया गए हैं, दूसरे प्रधान जी भाई गुरदीप सिंह जी, इतों के कथावाचक भाई सुलखण सिंह, सारे ही सत्कारयोग हैं। बाबा अंगार सिंह जी इस तरह ही दास जिहड़े जिहड़े वीर सो अज मैनू लै के भी आए हैं भाई साहब भाई, सो कई बार नाम भी दस जाते हैं, चरणजीत सिंह होनी रात सारे मिलने का मौका बनया है। सो कई नाम मैं याद रख सकता हाँ, सो सारे समुचे तौर पर धन्यवाद है। कोई भी गलबात आप जी कोई विचार देनी हो माइक राही भी सारिया संगत पुछ सकते हो, कल भी पुछ सकते हैं। उन्होंने चक्कर की कीमा वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी।